आज बनाएंगे गेहूं के आटे का नाश्ता। गेहूं के आटे से आज हम मठरी बनाएंगे। ये मठरी बहुत ही कुरकुरी और खस्ता बनती है। आप अगर एक बार इस तरह से मठरियां बना लेंगे तो आप हमेशा गेहूं के आटे से ही बनाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इन्हें किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं और इसे एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इन मठरियों को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए गैस पे पैन रखेंगे। उसमें मैं एक बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल के गर्म होते ही एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ। एक चम्मच सफेद तिल डाला है और एक छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, जिसे इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। और एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालेंगे इस तरीके से क्रश करके, और थोड़ी सी हरी धनिया। अब सभी चीजों को थोड़ा सा भून लेते हैं। सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब आधा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें मैं 4 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। और ये 1 कप गेहूं का आटा है, इसे भी डालेंगे। और अब सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं और इसमें मैंने 4 चम्मच सूजी का यूज किया है। सूजी डालने से ये नाश्ता हमारा कुरकुरा और खस्ता बनता है। बस अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए आटे को भून लेंगे। आटे को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे मसालों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब हम आटे को इस तरीके से भून के इससे नाश्ता बनाते हैं तो वो हमारा नाश्ता बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। तो आप जब भी आटे से कोई भी नाश्ता बनाएं, आप आटे को थोड़ा सा तेल डाल के भून ले, उसके बाद ही इससे नाश्ता बनाएं। ये आटा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इस आटे को इस बाउल में निकाल लेते हैं। आटे को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं, क्योंकि आटा अभी बहुत ज्यादा गर्म है। हम गरम गरम में इसे नहीं गूथेंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आटे को ठंडा होने के लिए हमने रखा था। अब आटा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इस आलू को हम इस तरीके की कीसनी से कीस लेंगे। बारीक कीसनी से हम आलू को कीस लेंगे, क्योंकि ये नाश्ता हम उबले हुए आलू और आटे को मिला के बनाएंगे। दोनों आलू को मैंने कीस के ले लिया। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ। हम इस आटे को आलू के साथ ही गूंथेंगे, पानी का यूज नहीं करेंगे। आलू में जो मॉइस्चर होता है उसी के साथ ही इस आटे को गूंथेंगे। ये देखिए मैंने आटे को आलू के साथ ही गूंथा है, इसमें पानी का यूज नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये आटा इसी तरीके से सख्त ही गूंथना है। अब ये हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम इस आटे से मठरी बनाएंगे, आटे की मठरी, वो भी बहुत ही खस्ता बनती है। चलिए हमारा आटा रेडी है। अब हम इससे इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे और इस तरीके से गोल करके इसे हाथों से दबा के ऐसे मठरी का शेप देंगे। बस हमें सारे आटे से इसी तरीके से मठरियां बनानी है। बस छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे और इस तरीके से मठरी बनाते जाएंगे। ये देखिए मैंने
आटे से इस तरीके से छोटी छोटी मठरियां बना ली है। अब हम पूरे आटे से इसी तरीके से सारी मठरियां बना लेते हैं। मैंने पूरे आटे से ये मठरियां बना ली है, आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे शेप में मैंने मठरियों को बनाया है। तो चलिए हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम इन मठरियों को डाल के फ्राई करेंगे। अब इन मठरियों को उलटते पुलटते हुए फ्राई करेंगे। इन्हें जब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं, अंदर तक अच्छे से पकती हैं और क्रिस्पी बनती हैं। थोड़ा सा इसे फ्राई करने के लिए टाइम जरूर लगता है, पर बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं ये। मठरियों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हुई हैं ये। इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे इसे फ्राई करें लो टू मीडियम फ्लेम पे, तभी ये अंदर तक खस्ता और कुरकुरी बनती हैं। अब हमारी ये मठरियाँ फ्राई हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम सारी मठरियों को निकाल लेते हैं। ये देखिए मठरी का कलर भी कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और बाकी बची मठरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब इन मठरियों को भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी मठरियों को फ्राई करके निकाल लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम कुरकुरी और खस्ता बनी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं एकदम खस्ता बनी है और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम कुरकुरी है। ये देखिए, ये नाश्ता मैंने गेहूं के आटे से बनाया है और फटाफट तुरंत बन जाता है। आप भी इन मठरियों को एक बार बना के ट्राई कीजिए, आपको भी ये मठरी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी और नई रेसिपी के साथ।